हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो मैं हृदय साधा, आप देख रहे हो हृदय देसी फिटनेस। सो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी की कमेंट पर आई है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा आपके जो पिंपल्स होते हैं, यानी कि जो कीले और दाग धब्बे होते हैं, तो उन्हें आप कैसे सही कर सकते हो, और वो भी घर पर कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप किसी भी बाजार के जो महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनका आपको प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी, और देसी तरीके से आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, आपको दिन में 3 से 4 बार अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करना है, अपने फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है। और दूसरी चीज, आप क्या गलती करते हो, जो आपका जो आप सोते हो तो आप तकिया वगैरह लगाते हो, तो तकिए को आप धोते नहीं हो, इसलिए आपके ये चेहरे पर जो गंदगी होती है, जो धूल वगैरह होती है, तो वो भी इस पर चेहरे पर आ जाती है, तो उसके कारण भी आपके ये पिंपल्स हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि हफ्ते में एक बार या दो बार आप धोलिया करो अपने ये तकिया वगैरह को, कपड़े को जो भी आप रखते हो सोते वक्त उसे। और उसके बाद में हम बात करते हैं आपको क्या करना है, कोई रेमेडी बताते हैं इसमें हम आपको। तो रेमेडी में आपको क्या करना है, आपको आधी चम्मच यानी हाफ स्पून आपको हल्दी लेनी है, और हल्दी के साथ आपको दूध लेना है, थोड़ा सा दूध। तो आपको उसका पेस्ट बनाना है, यानी कि थोड़ा सा ट्यूब बोले या फिर थोड़ा ऐसा गाढ़ा टाइप हो जाएगा, तो आप उसे बना लें मिक्सर। और उसके बाद आपके जहां पर भी पिंपल्स हैं, जैसे आपके चेहरे पर ज्यादा पिंपल्स हैं, तो भाई आप इसे पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हो। और अगर कम कम है, कहीं कहीं है, तो कहीं कहीं एक दो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके है, तो आप क्या करोगे उसको थोड़ा सा लेके ऐसे बूद बूद करके आप लगा सकते हो, और आपकी इच्छा है पूरे पर भी लगा सकते हो। और ये चीज आपको कब तक करनी है, शाम को सबसे बेस्ट है, आप शाम को करो सबसे बेस्ट शाम को, क्योंकि शाम को आप फ्री हो जाते हो, तो शाम को कर लिया करना, और ज्यादा देर तक नहीं करना है आपको, आप 20 से 25 मिनट कर लेना, फिर भी आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज आपको बताता हूँ मैं, दूसरी चीज में आपको क्या करना है, आपको एक गिलास दूध और उसके साथ हल्दी हाफ स्पून हल्दी आपको यूज करनी है, और उसके उसको आप एक गिलास दूध को आप पीते होगे, तो दूध को और हल्दी को आप मिक्स करके आप एक गिलास डेली आपको पीना है। तो जिससे क्या है, आपके जो अंदर की भी जो कमियां होंगी, अंदर से भी जो कचरा है और जो भी आपके अंदर की दिक्कतें हैं, वो भी आपकी दूर हो जाएंगी, और बाहर से भी आप एकदम स्ट्रांग, और आपके जो चेहरे पर ये जो कीले वगैरह थी वो भी आपकी एकदम जड़ से खत्म हो जाएंगी। और आपको अब आप बात करते हैं तीसरी चीज की, तो आपको क्या करना है, आपको कोई महंगा फेस वॉश नहीं यूज करना है, बेफालतू में ठग जाओगे बाजार में, तो आपको फेस वॉश यूज नहीं करना है। ये फेस वॉश वगैरह भी किससे बने जाते हैं, आपके देसी चीजों से ही बनाए जाते हैं। और आपका मन है कि भाई मेरे को तो पैसा खर्च करना ही है, तो आप भाई गुलाब जल ले सकते हो आप, गुलाब जल की जो गुलाब जल को आप किसी कॉटन यानी कि रू वगैरह से आप लगा के, और जहां भी आपके जो पिंपल्स हैं वहां पर आप रगड़ के अच्छे तरीके से रगड़ के शाम को ही आपको लगाने हैं। इसका भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा इलाज करना है गुलाब जल से। और वैसे तो आपकी इतनी चीजों में ही बिल्कुल आपका फेस है एकदम अलग ही लुक में आ जाएगा, पिंपल तो एकदम दूर ही भाग जाएंगे। और एक चीज और बताता हूँ, अगर आपके यहाँ पर एलोवेरा है और ये चीज आपको नहीं कर पा रहे हो, और एलोवेरा है, तो भाई एलोवेरा का आपको क्या करना है, आपका जो एलोवेरा होता है आप घर पर भी लगा सकते हो एलोवेरा को, और किसी किसी भाई के घर पर भी होगा, तो गांव में तो ज्यादातर होता है, बाजार में भी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसे छीलना है, दोनों साइड से आपको छीलना है, जो अंदर का उसका भाग होता है वाइट, तो उसे आप निकाल के और उसे भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हो, सबसे बढ़िया रहेगा वो भी। तो ये मैंने आपको 3 से 4 जो चीज बताई है, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना है, जैसे मैंने बताया आपको उसी के तरह। और आपको ये चीज शाम को
फॉलो करनी है। शाम को 20 से 25 मिनट की आपको मैंने बताया है ये चीज, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो इतनी चीज आप फॉलो करोगे आपके जड़ से आपके पिंपल्स दूर हो जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।